हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ खांसी रोग में अनार का आयुर्वेदिक लाभ। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम एक ऐसे पौधे की चर्चा करेंगे जिनको लोग नाम से ही परिचित नहीं, बल्कि लोग इसके सेवन से हिस्ट पुष्ट और नए जीवन की प्राप्ति करते हैं। कहावत यही है कि अनार वास्तव में बीमारों के लिए अमृत माना जाता है। इसके विषय में करेंगे हम अब चर्चा। आइए जानते हैं इस पौधे के संदर्भ में, इस फल के संदर्भ में वास्तव में आहार भी अपने आप में आयुर्वेद में एक चिकित्सा है। आहार के द्वारा हम विविध रोगों को दूर कर सकते हैं। उसी के आधार पर आज हम जानेंगे अनार के उपयोग से रोगों से कैसे हम बच सकते हैं। खांसी के लिए अनार की जो कोमल कलियां सूख जाती हैं, उन कलियों को, सूखी हुई को या ताजी कली को, थोड़े से सूखे पत्ते या इनमें से कोई भी आप लेकर दो तीन पत्ती तुलसी के साथ मिलाकर और एक दो दाने काली मिर्च मिलाकर यदि आप चाय की तरह कर पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी खांसी, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, कितनी पुरानी क्यों ना हो, अनार के पत्ते या अनार के फूल की कलियां, तुलसी के पत्र और काली मिर्च के इस्तेमाल से आपकी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग है, बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त इन अनार के कलियों को आप तोड़ करके या झड़ी हुई कली को इकट्ठा करके सुखा कर रख लें, फिर आप उन कलियों को दो या तीन एक दो कप पानी में उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। फिर आप देखेंगे कि चाय, एक बहुत ही सुंदर सा चाय आपके लिए तैयार है। इसमें आप स्वाद अनुसार मिश्री मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे आप कफ खांसी को खत्म कर सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी है। तो दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।